हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरोज किचन। आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, जो कि है चिकन बटर मसाला कहिए या कहिए इसको भुना चिकन। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी बनती है और बनाना तो बिल्कुल ही बच्चों का खेल है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, बिल्कुल ही आसान है, खास रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो कि झटपट से बन जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करीब मैंने 300 ग्राम चिकन ले लिया है, विथ बोन और बोनलेस पीसेस दोनों है। आपको जैसा चाहे वैसे आप पीसेस ले सकते हैं, विथ बोन या बोनलेस। इसके अंदर डालने के मसाले, तो आधा चम्मच डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पर आप लाल मिर्ची के साथ हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं पेस्ट बनाकर या कूटकर। इसके साथ ही आधा चम्मच डाल दिया मैंने गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ मैं इसमें। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच चिकन मसाला, तो आप किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला ले सकते हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने ली है 3-4 लहसुन की कलियाँ, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और ऊपर से डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी भर के दही ली है, तो ये घर की फ्रेश दही है। और अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप टमाटर पीस कर डाल सकते हैं। इस रेसिपी में हम टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे, इसकी जगह हम दही का यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैंने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। इस प्याज को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इस रेसिपी में हम कच्ची प्याज का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कसूरी मेथी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बेहतर आता है। तो यहाँ पे करीब 2 चम्मच भर के हमें कसूरी मेथी डाल देनी है। और अब सारी ही चीज़ों को हमें बढ़िया तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपने कभी चिकन की रेसिपी नहीं भी बनाई, तब भी आप ये रेसिपी एकदम ही डिलीशियस बनाकर रेडी कर सकते हैं। बच्चों का खेल है इस रेसिपी को बनाना। तो बस सारी चीज़ों को इस तरीके से बढ़िया से मिक्स कर लेना है। कोई झंझट नहीं है, कोई वेजिटेबल्स पकाना कुछ भी नहीं। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर। तो करीब 4 से 5 चम्मच बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। और अब इस मेल्टेड बटर को हम इसमें डाल देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी बटरी बटरी चिकन। तो इस बटर को हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है इस सारे ही मसालों के साथ। और फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद अब हम इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो इसे आधा घंटा रखिए काउंटर टॉप पर। अगर ज़्यादा टाइम है तो जितनी देर रखना चाहते हैं फ्रिज के अंदर, इसको आप मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। अगर कम टाइम है तो आधा घंटा भी इनफ हो जाएगा। तो ये सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर चला जाएगा और चिकन बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होगी। तो मैं इसे रख दे रही हूँ आधा घंटा। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है और हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मसाले सारे ही अब्जॉर्ब कर लिए हैं चिकन ने। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन, और पैन में हम डालेंगे करीब 3 चम्मच बटर। और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ घी, तो आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो करीब 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। अब इनको मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहे तो बटर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बटर चिकन मसाला है तो बटर का यूज़ तो करना ही है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो सारा ही चिकन हम इसमें डाल देंगे, मसाला भी सारा ही डाल देंगे, लेकिन पानी इस वक्त नहीं ऐड करेंगे। तो मसाले को इसी तरीके से डाल लेंगे, क्योंकि हम जो चिकन डाला है वो भी कच्चा है तो चिकन पानी छोड़ेगा, इसलिए अभी इस वक्त नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सारा ही मसाला जो है वो मैंने ऐड कर लिया है। और अब इसे 2 मिनट के लिए खुला ही इसी तरीके से भून लेंगे। तो लो फ्लेम पर ही मैं भून रही हूँ इसको। फ्लेम को हमें कहीं पर भी हाई नहीं करना है, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। ये पूरी ही रेसिपी बनने में आपको सिर्फ 15 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन फ्लेम आपको कहीं पर भी हाई नहीं करनी है। तो बस अब हम इसे कवर कर लेंगे, और कवर करके 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमें कुक होने देना है। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद हम खोल लेंगे ढक्कन को। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है।
थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और अब इस वक्त हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी कंसिस्टेंसी आप इसकी चाहते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आधा कप पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस ग्रेवी को ड्राई रखा हुआ है, बिल्कुल ही चिकन भुना मसाला की तरह। अगर आप चाहते हैं तो पतली भी कर सकते हैं। तो बस पानी डालने के बाद पानी को भी मैंने मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब इसको कर लेंगे कवर और बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए रहने देंगे। तो फ्रेंड्स बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, चेक करते रहना है कि कहीं मसाला जो है वो चिपके नहीं। अगर आपको लगता है कि जो ग्रेवी आप बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कप पानी का ही यूज़ किया है। तो बीच बीच में चलाते हुए पूरे 15 मिनट हमें इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रख देना है। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। चिकन गल भी चुका है और पानी भी अब्सॉर्ब कर चुका है। मसाला जो है वो बढ़िया तरीके से भूनकर रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं लास्ट में इसमें डाल रही हूँ घर की फ्रेश मलाई। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है वो ले सकते हैं, वरना अगर घर की मलाई है तो बेहतर है। तो 3 चम्मच भर के मैंने इसमें मलाई डाल दी है। इससे जो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है, रिच फ्लेवर आता है, साथ ही बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है। तो बस इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको खुला ही पकाएंगे, कवर नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारी मलाई जो है सारे ही मसालों के साथ मिक्स कर लेनी है और 1 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से हमें पकाना है। अगर आप चाहें तो इस वक्त भी कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं अगर आप साथ में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये क्योंकि सबसे आसान सी रेसिपी है, कोई भी तामझाम बाद में हमें करने का नहीं है, बस इसीलिए मैंने सारी चीज़ें पहले ही मैरिनेशन में ऐड कर दी है। लास्ट में हम डाल देंगे इस पर धनिया। गैस को मैंने कर लिया है बंद और धनिया को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए है ना बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा बटर चिकन, या फिर कह सकते हैं कि चिकन भुना मसाला विथ फुली लोडेड बटर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाइएगा, और ऐसी ही रेसिपीज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और स्क्रीन पर जो रेसिपीज आ रही है वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। बिल्कुल ही झटपट फटाफट से बन जाने वाली और बहुत ज़्यादा यमी सी रेसिपी ये बटर चिकन या चिकन भुना मसाला बस 15 मिनट के अंदर बनकर रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।